हेलो रिवन, वेलकम टू बिगिन इंस्टीट्यूट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में। आपका टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अब देखिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो आपने अच्छे से स्टडी कर लिया है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ प्रॉब्लम के बारे में, क्योंकि आपको जो बोर्ड में क्वेश्चन मिलते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं, और बहुत ही सिलेक्टिव सिलेक्टिव प्रॉब्लम आपको यहाँ पर कराने वाले हैं हम आपको। और जितना भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया, अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट अगर कवर कर लिया है तो ये श्योर है कि आपको बोर्ड में क्वेश्चन मिलेगी, या आपको या अदर एंट्रेंस एग्जाम में प्रॉब्लम मिलेगी, श्योर है वो प्रॉब्लम आपकी डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। तो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। देखिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया कि आपको कोई भी फंक्शन के बने एफ एक्स, सपोज के बने आपको एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स के बने, और यहाँ पॉइंट के बने एट एक्स इक्वल टू वन पर। ये आपके एक फंक्शन के बने, और चेक करना है कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग क्या चेकेंगे। तो मैंने बताया था कि आपको जो भी फंक्शन के बने आप क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव करेंगे। क्या करेंगे? डेरिवेटिव। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 2x + 5। अब देखिए, यहां पर फंक्शन में एक्स क्या के बने, वन पर चेक करना है। तो अगर मैं वन पुट करता हूं फंक्शन में, तो एफ डैश एक्स आपका हो जाएगा 2 × 1 + 5, एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये आपको हो जाएगा 7। अब देखिए, आपने फाइंड किया एफ डैश एक्स, तो आपने क्या चेक किया, एफ डैश एक्स के यहाँ पर 7, और 7 क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो में, एफ डैश एक्स अगर आपका 0 से ग्रेटर है तो फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये क्या हो गया आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो कहने का सेंस है, आपको जो भी फंक्शन आपको गिवन है, आप उस फंक्शन का सीधे सीधे डेरिवेटिव कर लें, और डेरिवेटिव करने के बाद अगर पॉइंट गिवन है तो वैल्यू पुट कर दें, अगर गिवन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको जो फंक्शन गिवन है आप उसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करने के बाद अगर उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर इक्वल टू 0 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला केस आ गया, तो उस केस में आपका होगा ओनली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली नहीं होगा। अगर आपका एफ डैश एक्स उस फंक्शन का डेरिवेटिव हम करते हैं, आप वो फंक्शन के बने, अगर उसका डेरिवेटिव मैं फाइंड करता हूं, अगर वो आ गया लेस देन 0 तो फंक्शन आपका होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर एफ डैश एक्स का आ गया लेस देन इक्वल टू 0 तो ओनली होगा डिक्रीजिंग। ये चार केस मैंने पढ़ाए थे, और इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में ग्राफिकल मेथड से डिफाइन भी किया था कि डिक्रीजिंग किस तरह होता है, किस तरह आपको डिक्रीजिंग डिफाइन करना है, किस तरह आपको इंक्रीजिंग डिफाइन करना है, सब कुछ आपने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आपने ये इसकी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जरूर आप देखें, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो ये जो प्रॉब्लम आपको मिलने वाली है वो क्वेश्चन हो सकता है आपको इतने अच्छे से क्लियर ना हो पाए, तो इसलिए प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, और एक भी पॉइंट उसमें स्किप ना करें, क्योंकि एक एक पॉइंट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्लियर कर लिया तो ये श्योर है कि आपको जितने क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं उन्हें बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ देख लेते हैं, कुछ और एग्जांपल सेट करते हैं। यहाँ पर आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम के बने एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और आपको जो इंटरवल के बने वो क्या के बने आपको, 0 से π। अब लेकिन यहाँ देखिए, इंटरवल आप हम जो वर्क करेंगे वो क्या करेंगे, ओपन इंटरवल पर वर्क करेंगे। यहाँ पर ये आपका है ओपन इंटरवल, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर ले लिया क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल में फंक्शन आपका या तो ओनली इंक्रीजिंग होगा या ओनली क्या होगा, डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली वाला केस नहीं आता, क्योंकि फाइनल जो वैल्यू होती है इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर फंक्शन क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और लेस देन इक्वल टू क्या होता है, 0 वैल्यू देता है। अब इसलिए वर्क करेंगे यहाँ पर ओपन इंटरवल पर। तो यहाँ फंक्शन के बने एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, अब चेक करना है कि ये फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग होगा कहाँ डिक्रीजिंग होगा, तो चेक कर लेते हैं। पहले हम करेंगे इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, और आपको पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। ये आपका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया आपने। अब ये आप देखो, यहां पर आपने फाइंड किया एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, अब कॉस एक्स कहां इंक्रीजिंग होगा कहां डिक्रीजिंग होगा, तो आपको चेक करना है इस इंटरवल में, क्योंकि ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिसाइड कौन करता है, डेरिवेटिव एफ डैश एक्स करता है। तो यहां देख लेते हैं, अगर हम एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं और इंटरवल है आपका इन इंटरवल 0 to π/2, अगर हम 0 to π/2 के बीच में एफ डैश एक्स फाइंड करें, तो आपको पता है एफ डैश एक्स क्या आपका कॉस एक्स,
और 0 to π/2 क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉस क्या होता है पॉजिटिव, तो यहां से क्या हो जाएगा कॉस एक्स आपका है कॉस एक्स हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 0। तो आप देखिए एफ डैश एक्स क्या आपका कॉस एक्स के इक्वल और कॉस एक्स क्या आपका 0 से ग्रेटर, तो इट मीन्स एफ डैश एक्स क्या होगा आपका ग्रेटर देन 0। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा आपका स्टिकली इंक्रीजिंग, स्टिकली इंक्रीजिंग लिख देंगे आप इस तरह से। अब चेक करता हूं मैं इन इंटरवल पाई बाई टू से पाई के बीच में, कि इंटरवल आपका 0 to π में ब्रेक कर लिया है, 0 से π/2, π/2 से π के बीच चेक कर रहा हूं मैं यहां पर, तो यहां से क्या आएगा आपका एफ डैश एक्स आपका है कॉस एक्स के इक्वल, और आपको पता है जो कॉस एक्स इस केस में, अब देखिए एफ डैश एक्स क्या शो कर रहा है पाई बाई टू से पाई सेकंड क्वाड्रेंट शो करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो एफ डैश एक्स शो कर रहा है लेस देन 0, तो यहाँ कॉस एक्स क्या आएगा लेस देन 0 होगा, तो इट मीन्स आप ले सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू होगा लेस देन 0, तो ये आपको जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आपका हो चुका है। तो आपने चेक किया साइन एक्स जो फंक्शन होता है 0 से π/2 में क्या होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और π/2 से π में क्या होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आपका होता है। तो यहां से चेक करते हैं ग्राफिकल मेथड से, और आपको पता है साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये वैल्यू होती है आपकी पाई, ये आपकी होती है 0, और अगर मैं चेक करता हूं इस तरह से, मैंने चेक किया 0 से π के बीच में, तो वैल्यू क्या हो रही है कि वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, 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 जैसे मैं पाई पे पहुंचूंगा, जैसे मैं पाई पहुंचा तो ये वैल्यू यहां से हमें टेंजेंट अगर ड्रॉ करने लग गया, ये आपका टेंजेंट, और ये जो टेंजेंट है वो क्या होगा एक्स के पैरेलल होगा, ये क्या होगा एक्स के पैरेलल, और एक्स के पैरेलल अगर हो गया तो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा 0 होगा, और एफ डैश एक्स क्या होता है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट ही होता है, तो इसलिए हम क्या नहीं लेते हैं कभी भी क्लोज इंटरवल, क्यों नहीं लेते हैं पता लग गया होगा आपको, क्योंकि क्लोज इंटरवल लिया तो इसमें वैल्यू क्या आएगी पाई बाई टू भी इसके अंदर आएगी, और अगर आपने पाई बाई टू पुट कर दिया तो इट मीन्स एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 0, और 0 पे क्या आएगा स्ट्रिक्टली वाला केस नहीं आएगा, इसलिए हम क्या करते हैं ओपन इंटरवल लेते हैं, आपने देखा होगा यहाँ पर, तो आपने क्या देखा 0 से π/2 के बीच में फंक्शन क्या आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और पाई बाई टू से जैसे आगे बढ़ता हूँ वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज होती जा रही है, यहाँ पर क्या हो जाएगी 0, तो पाई बाई टू से पाई के बीच में वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, और फाइनली क्या हो जाएगी 0 आपकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। तो आपने चेक किया कि 0 से π/2 के बीच में फंक्शन क्या आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और पाई बाई टू से पाई के बीच में फंक्शन क्या आपका स्ट्रिक्टली ये आपका था इंक्रीजिंग, ये आपको हो गया डिक्रीजिंग, ये आपने पढ़ लिया इसके बारे में बहुत अच्छे से, बाकी इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, देन आपको पता लग जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैसे फाइंड करते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कैसे फाइंड करते हैं, हालांकि इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही सिलेक्टिव टॉपिक है, और इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आप प्रॉब्लम सॉल्व करें, और ये शोर है तो कॉन्सेप्ट पढ़ लें आपका, बस क्वेश्चन फिर कैसा भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर आपने क्या सीखा सर, इतना देखेंगे आपको जो फंक्शन गिवन है आप उस फंक्शन क्या करेंगे डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, और डेरिवेटिव करने के बाद आपको जो भी इंटरवल गिवन है उस इंटरवल में से वहाँ वैल्यू पुट करके देखेंगे, और पुट करने के बाद अगर एफ डैश एक्स आपका आ गया ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली क्या होगा इंक्रीजिंग, और लेस देन 0 आ गया क्या होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये आपने स्टडी कर लिया है। अब बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम, और एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो इंटरवल वाले क्वेश्चन है, इंटरवल वाले क्वेश्चन बहुत ही केयरफुली पढ़ें, बहुत ही सिलेक्टिव सिलेक्टिव प्रॉब्लम है, और इस बार जो एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेगा हो सकता है आपको इसी टॉपिक से मिलेगा। यहाँ पर आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम के बने फाइंड द इंटरवल इन विच एफ एक्स इक्वल टू दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब यहाँ पर एक फंक्शन के बने, अब इस फंक्शन को पाँच तो हमने चेक कर लिया था, फंक्शन आपने साइन एक्स चेक किया था कहाँ पर आपका साइन एक्स इंक्रीजिंग है, कहाँ आपका साइन एक्स डिक्रीजिंग था। अब यहाँ पर एक, अब देखिए यही क्या आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, अब यहाँ पर ये पॉलिनोमियल फंक्शन चेक करना है क्योंकि सीधे ग्राफ हम ड्रॉ कर नहीं सकता सभी फंक्शन का, तो अब इस फंक्शन को कैसे चेक करेंगे कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब इंक्रीजिंग है तो कौन से इंटरवल में होगा, कितना इंटरवल होगा इसका जहाँ इंक्रीजिंग होगा, और डिक्रीजिंग है तो कौन से इंटरवल में होगा, आपको ये चेक करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो यहाँ देखते हैं पर क्या आएगा।
अब सबसे पहले मैंने क्या बताया था, आप निकालेंगे एफ डैश एक्स, फाइंड करेंगे इसका डेरिवेटिव, ये आपको हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, आपने इसका डेरिवेटिव कर लिया, क्या आएगा माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एटीन एक्स माइनस ट्वेल्व। अब यहां से निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट बोल सकते हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो क्या करते हैं, क्रिटिकल के लिए एफ डैश एक्स इक्वल रखते हैं जीरो, तो यहां से आपका आएगा माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एटीन एक्स माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं यहां से माइनस सिक्स कॉमन लेता हूं तो ये कहां चला जाएगा जीरो में, तो यहां से आएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस थ्री एक्स प्लस टू। अगर मैं आपको देखो कितने टर्म के बने, वन टू थ्री, तो टेंथ क्लास में आपने एक मेथड पढ़ा था मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मैं यहां से स्प्लिट कर लेता हूं तो क्या आएगा आपका, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। अगर सॉल्व करता हूं क्या आएगा आपका, ये हो जाएगा एक्स प्लस टू और ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। सॉल्व करने पर क्या आएगा, एक्स इक्वल टू आपका आएगा माइनस वन, एक आपका आएगा माइनस टू। तो यहां से आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली है, x इक्वल टू क्या आ गया माइनस वन और माइनस टू। तो अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, इसको देखिए यहां से बनाऊंगा इंटरवल, ये आपका हो गया माइनस वन। अब देखिए यहां से आपका इधर ये जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी और ये आपका हो जाएगा माइनस टू, ये आपका माइनस वन और ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। अब मैं इस इंटरवल में चेक करूंगा नंबर नंबर से, पहले फर्स्ट में चेक करूंगा, फिर सेकेंड में चेक करूंगा, फिर थर्ड चेक करूंगा। और यहां से अगर मैं चेक करता हूं इंटरवल फर्स्ट में, इन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू, और ध्यान रखना आपको जो इंटरवल लगाना है वो क्या लगाना है, ओपन इंटरवल लगाना, क्लोज इंटरवल इसमें अलाउ है नहीं है। तो अगर क्लोज आपने कर दिया तो फंक्शन आपका क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला केस आ जाएगा या लेस देन इक्वल टू वाला केस बन जाएगा। तो अब यहां से आपका फंक्शन क्या, देखिए एक तरह से अगर मैं सॉल्व करता हूं, आपने सॉल्व करने पर क्या आ गया, एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया आपका, एफ एक्स इक्वल टू आ गया एक तरह से x प्लस टू और x प्लस वन और साथ में बाहर क्या क्या होगा माइनस सिक्स, ये फंक्शन आ चुका है। अब देखिए यहां पर क्या आपका नेगेटिव सिक्स शो कर रहा है। अब यहां पर अगर मैं चेक करता हूं कौन से इंटरवल में, अब मैं चेक करता हूं इस इंटरवल में फर्स्ट में, तो यहां से आपका f डैश x क्या आएगा, देखिए f डैश x आपका ये आ चुका है, मैंने सॉल्व करके मैंने क्या कर दिया, ये दिखा दिया। अगर x देखिए माइनस टू से माइनस इन्फिनिटी के बीच में आप क्या रख लें, माइनस टेन ले लें, माइनस थ्री ले लें, माइनस फिफ्टी ले लें, कुछ भी ले सकते हैं आप माइनस टू से माइनस इन्फिनिटी के बीच में। सपोज आप ले लिया माइनस का टेन, अगर मैं माइनस टेन यहाँ पर पुट करूँगा तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये पूरा माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस ये क्या होगा प्लस, लेकिन बाहर क्या है माइनस, तो यहाँ से पूरा आंसर क्या आएगा लेस देन जीरो, पूरा आंसर आएगा माइनस। तो लेस देन जीरो क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आपने क्या देखा, माइनस इनफिनिटी से माइनस टू के बीच में फंक्शन क्या शो कर रहा है आपका, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब मैं चेक करता हूँ इन इंटरवल माइनस टू से माइनस वन के बीच में, अब मैंने ये इंटरवल ले लिया, अगर मैं पुट करता हूँ, देखिए आप पता है माइनस टू से माइनस वन के बीच में क्या आता है, माइनस का वन पॉइंट फाइव आता है। अब एफ डैश एक्स आपको ये दे रखा है, अगर मैं पुट करता हूँ माइनस का वन पॉइंट फाइव तो ये क्या आएगा प्लस, ये क्या आएगा माइनस, ये माइनस और ये माइनस, माइनस इंटू क्या आएगा माइनस, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा आपका प्लस आएगा। अब क्या आएगा तो आपको इतना नहीं सोचना है, बस ये चेक करना प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा ग्रेटर देन जीरो, ये आपका स्ट्रिक्टली, ये आपको जाएगा इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब चेक करता हूँ इन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी, माइनस वन टू प्लस इन्फिनिटी लेते हैं, अब माइनस वन से प्लस इन्फिनिटी ये वाला इंटरवल चेक करते हैं। अब आपको पता है इससे क्या आएगा, जीरो भी आएगा, प्लस वन भी आएगा, प्लस टेन भी आएगा, प्लस हंड्रेड भी आएगा। अब अगर मैं पुट करता हूँ सपोज जीरो तो ये क्या आएगा प्लस वन, ये क्या आएगा प्लस टू, अब ये प्लस लेकिन बाहर क्या नेगेटिव, तो ये पूरा क्या आ जाएगा नेगेटिव आएगा आपका। तो यहाँ आएगा एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, तो यहाँ पर आएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आपने क्या चेक किया, इन दो इंटरवल में फंक्शन क्या आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और फर्स्ट इसमें क्या आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, तो आप लिखेंगे माइनस इन इंटरवल, लिख लें आप इन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू यूनियन माइनस वन टू इन्फिनिटी, पर
फंक्शन क्या आपका एफ डैस एक्स का शो कर रहा है लेस देन जीरो, ये क्या आपका आएगा स्टिकली डिक्रीजिंग। तो आप ले सकते हैं कि इस इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू और माइनस वन से प्लस इन्फिनिटी। अब आपने क्या चेक कर लिया, माइनस टू से माइनस इन्फिनिटी, माइनस वन से प्लस इन्फिनिटी, इस पूरे फंक्शन इस पूरे इसमें डोमेन के अंदर फंक्शन क्या आपका स्टिकली डिक्रीजिंग। अब लेकिन इन इंटरवल माइनस टू से माइनस वन के बीच में फंक्शन क्या आपका एफ डैश एक्स क्या आपका ग्रेटर देन जीरो, तो ये क्या आएगा आपका स्टिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा आपका। तो इस तरह आपने चेक कर लिया कि आपको एक पॉलिनोमियल फंक्शन के बनता तो, और ये चेक किया क्योंकि सीधा हम इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते, आपको पता है क्योंकि इतने सारे फंक्शन हैं किसके से ग्राफ ड्रॉ करेंगे और किसके फंक्शन आप लर्न करेंगे सीधे फंक्शन का ग्राफ क्या होगा। तो ज़्यादा बेटर है आप इतना कन्फ्यूजन में ना जाएं, सिंपल सा हो जाएगा आपको जो फंक्शन के बने आप उसका डेरिवेटिव करें, डेरिवेटिव करने के बाद उसमें एफ डैश एक्स जो निकलेगा उसमें जो इंटरवल के बने वहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, और पुट करने पर अगर आपका एफ डैश एक्स क्या आता है ग्रेटर देन जीरो तो आपका होगा स्टिकली इंक्रीजिंग, और लेस देन जीरो आता है तो स्टिकली डिक्रीजिंग। तो मैंने चेक कर लिया है कि इस तरह आपका फंक्शन माइनस टू से माइनस इन्फिनिटी, माइनस वन से प्लस इन्फिनिटी में क्या आ गया आपका स्टिकली इंक्रीजिंग आ चुका है, और इसमें आपका आ गया स्टिकली आपका आ गया डिक्रीजिंग, और ये आपका हो गया स्टिकली इंक्रीजिंग। अब एक दो प्रॉब्लम और देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, एक दो प्रॉब्लम और देख लेते हैं, देखिए कैसे क्वेश्चन है। अब सेम वही देख लेते हैं, फाइंड द इंटरवल, आपको इंटरवल फाइंड करना है, फाइंड द इंटरवल। एक प्रॉब्लम और लेते हैं यहां से, 2x³ - देखिए यहां से एक प्रॉब्लम लेते हैं हम, क्या है आपको प्रॉब्लम के बन 2x³ + 9x² + 12x + 20। देखिए आपको ये प्रॉब्लम के बने, अब चेक करना है कि ये फंक्शन आपका कहाँ पर स्टिकली इंक्रीजिंग होगा, सेम जो क्वेश्चन कराया उसके सिमिलर प्रॉब्लम में भी। अब यहाँ पर के बने 6x³, यहाँ देखिए 2x³ + 9x² + 12x + 20 के बने, तो मैं क्या करूँगा इस फंक्शन क्या करूँगा डेरिवेटिव करूँगा, और डेरिवेटिव करने पर क्या करूँगा इसको एफ डैश एक्स, ये लग रहा है दिमाग खराब कर देते हैं यार है? ये माहौल दोबारा करो, दोबारा देखो दोबारा करो, चलो हैं यहीं से करूँ पर मैं दोबारा बोलूँ, चलो यहाँ से करूँगा ठीक है, बाद देख लेना वो क्वेश्चन खत्म हुआ ना उसका देख लेना। अब यहाँ पर मैंने कह रहा फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x³ + 9x² + 12x + 20। तो यहाँ पर आपके फंक्शन के बने, अब चेक करना है कि फंक्शन आपका कहाँ पर इंक्रीजिंग होगा कहाँ पर डिक्रीजिंग होगा। अभी जो क्वेश्चन कराए हैं उसी की सिमिलर प्रॉब्लम है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं और बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि फंक्शन कैसे इंक्रीजिंग निकालें कैसे डिक्रीजिंग निकालें, उनको यह तो पता लग जाता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसे निकालते हैं, लेकिन इंटरवल वाला जो केस है वो थोड़ा टफ है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इंटरवल हम कैसे फाइंड करते हैं बहुत ही ईजी है, इतना हार्ड नहीं, बस आपको एक बार बस देखना है कि हाँ कि इंटरवल में कैसे निकालते हैं बस। और ये श्योर है कि अगर आपने एक बार एक क्वेश्चन हमारे यहाँ से पढ़ लिया सही तरह से, इसके सिमिलर प्रॉब्लम कितने हार्ड हो कितने टिफिकल हो डेफिनेटली आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, इतना हमारा। देखिए अब यहाँ पर फंक्शन आपको गिवन है, चेक करना है फंक्शन आप फाइंड करेंगे डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 6x² + 18x + 12, ये क्या हो जाएगा अब जीरो। अभी जो क्वेश्चन कराई है सेम प्रॉब्लम है, बस यहाँ पर हमने क्या कर दिया प्लस ले लिया बस। तो यहाँ से क्या आएगा, अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से आएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 6 कॉमन ले लिया तो यहाँ से आएगा आपका x+2 और ये हो जाएगा x+1। अभी आपने किया थोड़ी देर पहले सेम वही क्वेश्चन में रिपीट कर दिया, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ से क्या पढ़ करते हैं, अब मुझे देखिए यहाँ प्रॉब्लम में इंटरवल बनाना है, पहले निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट, तो हम निकलते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट डिसाइड करते हैं जहाँ पर आपका एफ डैश एक्स क्या होता है जीरो होता है, वो डिसाइड करते हैं कि इस पॉइंट से आगे आपका इंक्रीज हो रहा है या इस पॉइंट से पीछे डिक्रीज हो रहा है, वो पॉइंट डिसाइड करता है, उसे बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अभी समझ आ जाएगा आपको इस तरह क्या होता है। तो यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं क्या आएगा 6x + 2x + 1 इक्वल टू जीरो, सॉल्व करने पाएगा x = -1 x = -2 आपका आ जाएगा।
अब देखिए यहां से सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन। उसमें क्या था, पहले नेगेटिव था पॉजिटिव ले लिया, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब इंटरवल बनाते हैं, इंटरवल ये आपका आएगा माइनस इन्फिनिटी, ये आपका हो जाएगा माइनस टू, ये आपका माइनस वन, ये आपका प्लस इन्फिनिटी। अब चेक कर लेते हैं यहां पर आपको कितने इंटरवल गिवन है, वन टू थ्री। यहां पर आपको थ्री प्रॉब्लम गिवन है, थ्री इंटरवल गिवन है, थ्री इंटरवल चेक करना आपको। तो पहले हम चेक करेंगे इन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू। अब देखिए माइनस मैंने भी बताया था माइनस टू से स्टार्ट है, लेकिन माइनस टू ले नहीं सकते आप क्योंकि ओपन इंटरवल है। माइनस टू से आगे चलना आपको, तो आप माइनस टेन ले लें, माइनस ट्वेंटी ले लें, माइनस कुछ भी ले सकते हैं माइनस में। तो आप लेंगे माइनस का टेन, तो माइनस टेन पुट करेंगे क्या आएगा, ये आपका आएगा माइनस, ये भी आपका माइनस, माइनस इंटू माइनस ये क्या होगा प्लस, इससे करो प्लस, तो यहाँ से आएगा एफ डैश एक्स क्या होगा आपका, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये आपका होगा स्टिकली इंक्रीजिंग। अब चेक करते हैं इन इंटरवल माइनस टू से माइनस वन के बीच में, और आपको बताया माइनस वन से माइनस टू के बीच में, माइनस इन दोनों बीच में क्या आएगा, माइनस टू और माइनस वन बीच में क्या आता है, वन पॉइंट फाइव आता है नेगेटिव में। अगर मैं पुट करता हूँ माइनस का वन पॉइंट फाइव, तो ये क्या आएगा, वन पॉइंट फाइव पुट किया माइनस का तो यह आएगा नेगेटिव, यह आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, रिजल्ट क्या आएगा आपका नेगेटिव। तो यहाँ से आएगा एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, स्टिकली डिक्रीजिंग। अब चेक करता हूँ इन इंटरवल माइनस वन टू इन्फिनिटी, अगर देखिए माइनस वन से इन्फिनिटी बीच में आप क्या रख लें, जीरो रख लें, प्लस टेन रख लें, प्लस ट्वेंटी रख लें, हंड्रेड कुछ भी रख सकते हैं आप, लेकिन माइनस वन से क्या हो ग्रेटर हो, जीरो से और माइनस वन से क्या है ग्रेटर है, सारी वैल्यू हैं। तो आप अगर यहाँ पुट करते हैं माइनस का जीरो पॉइंट फाइव, या फिर पुट करते हैं जीरो, आप जीरो ले लें ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ जीरो पुट किया तो ये रिजल्ट क्या आएगा टू, यहाँ जीरो पुट किया यहाँ आएगा रिजल्ट वन, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, पूरा रिजल्ट क्या आ गया पॉजिटिव। तो यहां से एफ डैश एक्स क्या हो गया आपका ग्रेटर देन जीरो, स्टिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा आपका। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते थे कि अगर फंक्शन में एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, थोड़ा यहां से आप ध्यान सुन लें, हम सब ने ये हमारी पहले मेंटेलिटी ये थी जब हम कभी ट्वेल्थ में पढ़ते थे, तो अगर एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो फंक्शन वैल्यू बढ़ रही है तो फंक्शन क्या होता है इंक्रीजिंग होता है। लेकिन यहाँ पर आप चेक कर लें कि यहाँ पर कहानी को चोरी चल रही है, क्या चल रही है। अब देखिए अगर मैं चेक करूँ माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू के बीच में, यहाँ वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है जब घटती हुई आ रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो था, लेकिन माइनस टू से माइनस वन के बीच में एक्स क्या हो रहा है इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन फंक्शन क्या हो रहा है डिक्रीज। लेकिन आप माइनस वन से बढ़ रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज। तो आपने देखा कि अब यहाँ से आप कह रहे थे आप इधर से यहाँ आ रहे थे, आप इधर आ रहे थे, तो फंक्शन क्या हो रहा था इंक्रीज हो रहा था इंक्रीज। लेकिन आप तो इस इंटरवल में आगे और आगे बढ़ गए तो वैल्यू क्या हो गई इस फंक्शन, इसमें देखिए इस वाले इंटरवल में फंक्शन क्या हो गया डिक्रीज। जैसे आप और आगे बढ़ गए तो फिर यहाँ से क्या हो गया इंक्रीज। तो कहने का सेंस जरूरी नहीं है कि एक्स की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो फंक्शन भी इंक्रीज होगा, कहीं कहीं ऐसा हो सकता है एक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो फंक्शन डिक्रीज हो सकता है, ध्यान रखना। तो आप इसमें अगर आपके माइंड में ये गलत फहमी अगर थी तो इसे ख़त्म कर दें, क्योंकि जरूरी नहीं कि एक्स वैल्यू बढ़ रही है फंक्शन बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। आप चेक कर लें इस मेथड से। तो आपने देखा कि फंक्शन कहाँ पर इंक्रीजिंग है आपका, इस इंटरवल में और इस इंटरवल में। अब कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू यूनियन माइनस वन टू इन्फिनिटी, इस इंटरवल में एफ डैश एक्स आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो क्या हो गया स्टिकली इंक्रीजिंग होगा। तो आपने क्या लिख दिया, इस इंटरवल में एफ डैश एक्स क्या है ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स स्टिकली इंक्रीजिंग, और इस इंटरवल में क्या हो गया आपका स्टिकली डिक्रीजिंग। इस तरह आपने फाइंड कर लिया अगर, और आपने देख लिया होगा कि एक्स वैल्यू बढ़ रही थी लेकिन फिर भी फंक्शन क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।